अब मैं राजकुमारी जी से बात अब गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने दो सब से लोग नवाजें। मैं सभी भाइयों और बहनों से गुजारिश करती हूं कि ये फॉर्मेलिटी हमको भी करनी है। आपको हम जानते हैं कि आप बेकरार सुनना चाह रहे हैं सभी लोगों को, और मैं मौलाना साहब को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 18 साल से इस बिल्कुल वीराने पे हमेशा ये कौमी एकता का एक ऐसा स्थान बनाते हैं जी। कि इस उनको धन्यवाद देना बहुत ही ज़रूरी है। ये कवि सम्मेलन एक कौमी एकता, एक इस भारतवर्ष के गंगा जमुनी तहजीब के बारे में कवि सम्मेलन हो, मुशायरा हो, और यहीं से भारत की आवाज़ निकलती है, हमारे मुल्क की आवाज़ निकलती है। क्योंकि जो कवि आते हैं, जो वर्तमान में मुल्क में गुज़र रहा है या देश में गुज़र रहा है, उसके बारे में वो कविता लिख के सुनाते हैं, और हम और आप कवियों के होठों से मुल्क में जो हो रहा है, देश में जो हो रहा है सुनते हैं। आज हम अपने प्रतापगढ़ में स्वागत करते हैं रिजवान साहब को। डीजीपी साहब हैं, उन्होंने पुलिस में भी रह के जिस तरह उन्होंने आज तकरीर दी, बहुत ही सराहनीय है। आज हम गवर्नर साहब को, कुरैशी जी को भी अपने प्रतापगढ़ में स्वागत करते हैं, और मौलाना साहब ने दूर दूर से जो जो मेहमान बुलाए हैं उन सब का हम अपने प्रतापगढ़ में आपकी तरफ से, अपनी तरफ की से, सबकी तरफ से उनका हम अपने प्रतापगढ़ में स्वागत करते हैं। मैं और बाधा नहीं बनूंगी। ये मुशायरा बहुत आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें भारत की आवाज़ है, मुल्क की आवाज़ है, वर्तमान की आवाज़ है। तो इसको सुनिए, समझिए, और शाम आज बहुत ही सुहानी है, मौसम ने आज बहुत साथ दिया है, अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और आप लोगों को अब मैं और विलंब नहीं करूंगी, बस भारत के इस आवाज़ को सुनिए। जय हिंद।